शारदीय नवरात्रि का शुभ आरंभ 15 अक्टूबर से होने जा रहा है। मां दुर्गा के भक्त 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए पूरी तैयारी में जुट गए हैं। पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं। आगामी नवरात्रि शारदीय होगी, जो अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9वीं तिथि तक मनाई जाएगी। इस दौरान भक्त मां दुर्गा और उनके 9 अवतारों की पूजा आराधना करते हैं। नव दुर्गाओं की पूजा में पूरे सच्चे मन से अपने 9 दिन बिताते हैं। यह त्योहार 9 दिनों तक मनाया जाता है, इसलिए सही तिथियों और कलश स्थापना के सही मुहूर्त का जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है। नवरात्रि के पहले दिन ही कलश स्थापना की जाती है। मान्यता है कि कलश स्थापना मुहूर्त में ही करनी चाहिए, क्योंकि 9 दिनों तक यह देवी के स्वरूप में आपके निवास स्थान में देवी साक्षात कलश के रूप में विराजमान होती हैं। अब कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ये आप विस्तार से जान लीजिए। शारदीय नवरात्रि का आरंभ 15 अक्टूबर से होने जा रहा है। नवरात्रि में कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में किया जाना चाहिए, ये तो हमने आपको बता ही दिया। मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कलश स्थापना के लिए शुभ योग हस्त नक्षत्र प्रतिपदा तिथि जरूरी है, परंतु इस बार ऐसा संभव नहीं है। पंचांग के अनुसार 15 अक्टूबर को चित्रा नक्षत्र एवं वैधित्य योग पड़ रहा है, जो अशुभ माना जाता है। अब कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, चलिए ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जान लेते हैं। कलश स्थापना हमेशा अभिजीत मुहूर्त और प्रतिपदा तिथि में करना ही शुभ माना गया है। इस बार 15 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:38 से शुरू हो जाएगा, जो कि दोपहर 12:23 तक रहेगा। इसके उपरांत 12:24 से वैधति योग शुरू हो जाएगा। ऐसे में इस बार शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए मात्र 45 का ही शुभ मुहूर्त है। अब जान लेते हैं इस बार माता रानी किस पर सवार होकर आ रही हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि में माता रानी हाथी पर सवार होकर धरती पर पधारेंगी। यह एक शुभ संकेत है। वर्ष सर्वत्र संपन्नता रहेगी और देश में अच्छी वर्षा होने के भी आसार हैं। आप भी माता रानी की 9 दिनों तक सच्चे मन से पूजा करिए। निश्चित ही माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगी और इस नवरात्रि में आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।